हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई के गोट लवर। दोस्तों, आज मैं हूँ पूना गोट फार्म पर, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े फार्म में इनका नाम आता है पुणे के। और काफ़ी सारे इस सीरीज़ में आपको बकरे देखने मिलेंगे, आपने पोस्ट देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम आईडी पर। तो ये वीडियो में हम इस फार्म के सबसे बड़े बकरे दिखाएंगे जो मिक्स ब्रीड में है। और अभी हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के ओनर संपत सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए बोलिए सर। आप पहले बार भी एक बार आए थे? जी जी। अभी आपको जो बकरे को फर्क भी दिखेगा जी, तो ये आपको ज्यादा दिन नहीं हुए आपको आके? मेरे हिसाब से साकिब भाई 3 महीने पहले आए थे ना? 3 महीने पहले आए थे सर। काफी फर्क दिख रहा है आपके बकरों में। और तो जो फर्क दिख रहा है वो आप खुद हमारे जो कस्टमर है उनको बोलो। जी जी जी। एक्चुअली हमारे जो व्यूअर जो कंटिन्यू देखते हैं उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बकरे क्या थे पहले वीडियो में और अभी क्या है। तो माशाल्लाह ये आपके फार्म के बड़े बकरे हमने निकाले अभी। तो ये कितने बकरे हैं अंदाजन? एक ये मेरे हिसाब से रशीद एक टोटल अपना 17-19 बकरा है ना? 19 बकरा है, 100+ है, 100+ से 120 किलो तक है। ओके ओके। ये बकरे बहुत सारे छोटे बकरे थे पहले जी, लेकिन इसमें से कुछ 80 से भी 120 किलो पे गए हैं जी, और कुछ 90 से 110 किलो पे गए। तो सर ये आपके यहाँ की ब्रीड है क्या? आपने बाहर से लाए बच्चे? नहीं नहीं, ये जो बच्चे है ना, मेरा एक पिपाड़ में भी फार्म है जी, मेरे यहाँ के भी बच्चे। पिपाड़ का फार्म का भी माल आता है, जोधपुर पिपाड़ सिंधीपुरा में अपने एक पुनागोट फार्म का ब्रांच है, उधर से आता है। ये टोटल मिक्स बकरे है। मिक्स बकरे है ये जी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। रशीद भाई एक एक बकरा दिखाते हैं हम, कुछ बकरे निकाल के जो बड़े बड़े बकरे जी। ठीक है, तो किससे शुरुआत करते भाई? रशीद तुम्हारे हाथ वाला ले लो पहला जी। ये आप जिसको हाथ लगाया वही ले लो ना ये। अरे ये हाथ में जो है जी, ये ले लीजिए, थोड़ा सा आगे ले लीजिए बस। ये कौन से नस्ल में भाई? ये सोजत है। सोजत है ये? प्योर सोजत? प्योर सोजत जी। ये लेट खस्सी है बकरा। हाँ, और इसका मेरे हिसाब से हाइट 42+ रहेगा। वजन इसका रशीद 110 किलो है। 110 किलो वेट है इसका? 8-10 फ्रेश है जी। 110 किलो वेट है। 110 किलो है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीना वगैरह काफी अच्छा है। तो ये जो सारे बकरे ना सर, ये आपके पास कितना वक्त होगा इनको? ये तो इसको तो हमने 2 महीने पहले खस्सी किया है। 2 महीने पहले खस्सी किया है आपने ये? और ज्यादातर ये पूरे लॉट में खस्सी है ना सर? हाँ, ये पूरा खस्सी है, पूरा खस्सी का लॉट है, खस्सी किया है जी जी। एक बार, ये अलग ही बकरा है, इसका भी छाती भर गया जी। ये 100 किलो पे रुका था, ज्यादा एग्रेसिव था जी, तो हमने उसको खस्सी किया। तो मेरे हिसाब से खस्सी करके अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है जी, 110 किलो पे गया। ये कुर्बानी तक मेरे हिसाब से 120 किलो जाएगा, ऐसा हमारा कहना है। तो सर ये खस्सी करने में कितना वेट गेन दिया इसने? 10 किलो दिया है। 10 किलो पर मंथ? नहीं नहीं, अभी 10 किलो दिया है। मेरे हिसाब से 1.5 महीना हुआ रहेगा ना, रमजान के पहले किया आपने इसको? हाँ, रमजान के पहले जी जी। तो सर ये कैसा प्राइसिंग रहने वाला इनका हमारे व्यूअर्स के लिए? ये 100 किलो के 90 किलो के ऊपर वाली बकरी हम लोग नक पे बेचते है, नक पे। और जो जिस जो बकरे का फुल शाइनिंग है, जो भराई जैसा दिखता है छोटा बकरा जी, उसका 600 रुपए किलो से हम लोग बेचते है जी। रशीद भाई दूसरा बकरा ले लीजिए ना। रशीद पटपट बकरा ले लो ना। ये सिरोही है क्या? ये गुजरी। गुजरी सर, सिरोही और गुजरी में क्या अंतर होता है एक्चुअली?
जिसमें व्हाइट रहता है, शिरोई गुजरी में मुंह व्हाइट रहता है, व्हाइट रहता है और ये पूरा ब्राउन रहता है। वो पीछे वाला, जो पीछे वाला उसको अजमेरी बोलते हैं, अजमेरी बोलते हैं, ये होते हैं जी जी अजमेरी। शिरोई जनरली क्या होता है, शिरोई अजमेरी में ज्यादा लोग फर्क नहीं मानते जी, लेकिन एक ही कलर रहेगा तो शिरोई बोलते हैं। ज्यादा सर मैं देख रहा हूँ कि सोजत और गुजरी सिरोई यही ज्यादातर बढ़ते खस्सी करने के बाद में, वो ब्रीड के हिसाब से रहता है। इनकी हाइट वगैरह काफी अच्छी रहती है, हाइट रहता है। गुजरी जो है वो 6 दांत के बाद हाइट छोड़ देता है, 8 दांत पे हाइट रहेगा। अभी ये मेरे हिसाब से कितना, 6 के 8, देखो ये बकरा 6 दांत पे है, इसका स्ट्रक्चर देखो 6 दांत पर 120 किलो। तो ऐसा मत कस्टमर को बुलाओ, वो कांटे पे डालो, देख सका स्ट्रक्चर देखो। 120 किलो का बकरा ये 6 दांत पे, माशाल्लाह। हाइट कितनी होंगी इसकी आपको जो लगेगा ना सर, जी जी बोलो उस वक्त गेज में डालेंगे। ले लीजिए थोड़ा सा वजन कर लेते इसका, काटे पे डालेंगे। वजन भी करके दिखाते हैं जरा व्यूअर्स को। क्या होता है कि तो लोग बोलते हैं, फिर बोलेंगे ऐसा नहीं, उतना भर गया, इतना बोला था जी, ऐसा नहीं। और आपका वेट गेन भी समझ में आएगा, आपको फार्म का जो वेट गेन है ना, हमारा हर हफ्ते वेट गेन जी जी 116 किलो है अभी। 15 किलो खाना बाकी है, खाना बाकी है, दाना पानी बाकी है, खाना बाकी है, ले लीजिए इसको बाहर। रशीद भाई पंजाबी पकड़ के दिखाई दे रहा, पंजाबी माशाल्लाह काफी बड़ा दिख रहा है एकदम। पंजाबी का हाइट कितना है इसका? 43 है क्या? ये अपने पास कितना दिन होके आके गया? ये शरीक भाई करके बंगलोर का हमारे एक कस्टमर है जी जी, उनका बकरा है, उनका बकरा है। तो ये मेरे हिसाब से 89 किलो पे कुछ आया था, बराबर है ना? 89 पे किलो। तो अभी कितना वेट है इसका? अभी इसका वजन 118 किलो। 118 तीन महीना नहीं हुआ है अभी तक। 29 जनवरी को आया। ये ज्यादा दिन लगता है लेकिन ये बकरा जल्दी सेट हो गया, इसका वजन भी अच्छा बढ़ गया, खाता भी अच्छा है जी। इसको कांटे पे डाल के दिखाओ जरा जी, अरे कांटे पे डालिए रशी भाई। और वजन हम लोग नहीं बोलेंगे, कांटे को बोलने दो जी जी। ले लीजिए ले लीजिए। इनके शरीक भाई करके बंगलोर के, उनके मेरे पास 5 बड़े बकरे उनके। आपके पुराने क्लाइंट है क्या? नहीं, पिछले साल उन्होंने एक बकरा रखा था जी, उसका रिजल्ट आने के बाद जी उन्होंने आपको पसंद है बकरा निकालिए बढ़िया। सर तो ये जो अभी जो है ना, ये बकरा जो अभी रशीद निकल रहा है ना जी, ये मेरे हिसाब से पीपाड़ फार्म से आने के बाद 70-75 किलो का था। पीपाड़ फार्म से आने के बाद तो इसने इतना फास्ट वेट गेन लिया जी, ये मेरे हिसाब से उसको दूसरे कप्पे से इस कप्पे में लाया 100 प्लस से जी, 100 प्लस है। सर ये बकरा कुछ अलग ही दिख रहा है, जैसे कमान वगैरह ना, अलग ही कमान आया और वजन उसने अच्छा रहा। दांत कितना है देखना उसका, मेरे हिसाब से 6 रहेगा या 8 किया है, 8 किया है। तो कांटे पे डालो इसको, क्योंकि अभी आपको बोल रहे हैं, लेकिन साकिब भाई आप बीच में आ जाओ, आपका बकरा दिखाना है आपको, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बकरा नहीं बढ़ रहा है। नहीं नहीं सर, साकिब भाई का बकरे का आपने भी लास्ट टाइम शूटिंग किया है जी जी, इतने साल का तजुर्बा है सर आपको और अल्हम्दुलिल्लाह तो काफी लोगों को पता भी। ये जो है ना, ये आकिब भाई करके बकरा है, उन्होंने मेरे को दिया है अपना अरमान गोट फार्म का, आकिब भाई का ये फोटा। इसमें इतना जगह है भराई के लिए, ये बीमार पड़ गया पड़ा था जी, तो साकिब भाई सबने बोला था इसको, हाँ तो नहीं किया। अभी बकरा 100 किलो पे है। अच्छा बीमार पड़ गया था, काफी काफी बीमार पड़ गए थे, जिंदा रह गया कि नहीं बोल नहीं सकता थे। ओके ओके, अभी देखो फ्रेम उसका क्या है। इसने 8 दांत किया क्या रशीद? ये बगली वगैरह भी आ गई है इसको, काफी अच्छा दिख रहा है बकरा, बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। ये कौन से नस्ल में? कोटा में ना? कोटा में माशाल्लाह। और बकरे का जो भरने का जगह है ना जी जी, वो पिछले साल जो अपना 120 किलो का जो दिया था, वो अंसारी भाई जो है अपने सूरत वाले, उनका बकरा वो 160 किलो पे था 4 महीने पहले। अभी कितना किलो पे पता नहीं, अपना बड़ा वाला कोटा था ना, वो 160 किलो। रशीद भाई इसको ले लीजिए, वजन करा देते।
तो सर ये जो हम बकरा बता रहे हैं ये आपके क्लाइंट का बकरा है या आपके पर्सनल बकरा है? ये मेरे पर्सनल है, वो जो बीटल क्लाइंट का है खाली। अच्छा बीटल क्लाइंट का है। ये 100 किलो आ रहा है बराबर ऊपर है 101 किलो। हाँ 101 किलो पे थोड़ा वो ये 94-95 पे रुका था थोड़ा जी, लेकिन अभी उसने क्रॉस किया। सर अभी दाना पानी बाकी तो अप्रोक्स कितना वजन बढ़ेगा दाना पानी सब हो जाएगा तो? एक बकरा अप्रोक्सीमेटली खाने के बाद 2 किलो बढ़ता है। 2 किलो बढ़ेगा। हाँ, 2 किलो तो जैसे जो बकरा 101 किलो है 3 किलो बढ़ता है, कोई 4 किलो भी बढ़ता है। ओके ओके, खुराक के ऊपर है। हाँ लेकिन हम लोग एवरेज 2 किलो पकड़ देते हैं। ओके ये आपका ब्रीडर था, आपने देखा रहेगा हमेशा 93 किलो पे रहता था, 93-94-95, लेकिन 95 किलो पे ब्रीडिंग करता था जी। ये हाईपैट है, इसका कान का लेंथ 18 इंच है। 18 इंच है। हाँ, तो इसको मैंने अभी खस्सी कर दिया एक 4 महीने पहले जी, तो अभी ये भी 100+ है मेरे हिसाब से। हाँ, 100+। हाँ इसको भी दिखाओ वेट पे डाल के। क्या होता है लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी है वो दिखना चाहिए। जी 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 सर, अभी जगह देखो कितने है उसमें। अच्छा अभी भी काफी जगह है। दांत कितना है उसका? बिल्डिंग का 93 केजी पे था जी। आठवां थोड़ा है। अच्छा अभी 8 फ्रेश कर रहे हैं सर। पूरा लुक ही चेंज हो जाता है खस्सी करने का तो बकरे का वजन वगैरह थोड़ा एग्रेसिव रहता है। अपना मेन कस्टमर जो है ना जी वो खस्सी का है सर। हाँ वही सर, मैं वजन की बात कर रहा था एक्चुअली आपसे। 109 किलो है। 109 किलो 109 यानी शाम को 110 पे 111 जाएगा। जी जी जी। तो वो सामने का वो सोयत भी दिखा देते सर, अभी आपको जो लगता है ना जी वो आप दिखाओ। जी जी वही बोल रहा था मैं, सोयत दिखा देता हूँ जिसका डिलीवरी भी हो गया है। हाँ एक 43 नंबर है क्या तुम्हारे? नंबर अच्छे से डालो, लोगों को समझना चाह रहे हैं। कौन सा खुद आया क्या वेट पे? यार दिखाओ दिखाओ खुद 117 किलो दिखाओ उसको। ये भी बकरा दिखाएंगे हम, उसके बारे में मेरे को बोलना है। जी 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 जी। ये भी माशाल्लाह अच्छा बड़ा हाइट में, इसकी हाइट कितनी होंगी? 6 दांत पे, 6 दांत फ्रेश। 6 दांत फ्रेश जी। ये प्योर सोया थे? प्योर सोया। हाइट कितनी रहेंगे रशीद भाई? हाइट 39-40 हाइट होंगी माशाल्लाह। बकरों की हाइट अच्छी है, सोजेट और गुजरी 6 दांत के बाद हाइट छोड़ देता है जी। और सर मैं देख रहा हूँ आपके बकरों को, आपने अभी बाल कटवाए क्या? बाल कटवा के महीना हो गया, ऑलमोस्ट महीना हो गया। गर्मी में ज्यादातर बाल कटवाते ही है ना, वेट गेन के लिए। नहीं कैसा होता है जानवर है ना जी, लोग बाल काटते हैं एक महीने में, तो बकरों को क्यों नहीं कटते? जी जी वो भी सही है। या नाखून और बाल जी ये टाइम पे कटा जाता है। जी जी सर, यहाँ पे बकरों के इसमें कोई गलती नहीं होगी, आपने अभी भी देखा आपने। जी जी कि मैं क्या बोला? नहीं नहीं आप तो आकर ही। जी जी, वो बकरे का खाना आदमी को जो नहीं मिलता है वो बकरे को मिलता है। जी जी 107-108 हो रहा है, हल रहे हो? हाँ तो वो तो जी जी 107-108 हो रहे हैं। 107 वजन का नहीं है अभी, आलू अपने को वजन करना है नहीं किसी का। नहीं नहीं ये तो सिर्फ हम व्यूअर्स को बता रहे हैं कि वेट मशीन पे वजन कितना है। रशि भाई ये लीजिए ना, ये वाला वाइट वाला नहीं का जो वजन पे गया था कांटे पे, खुद गया था 117 किलो दिखाया उसने। वो वापस कितना दिखाता है पे। ये जरा बड़ा दिख रहा है रशीद भाई हाइट वगैरह में। इसका सर स्टोरी ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बकरा कैची, सुनना रशीद, बहुत सारे लोग बोलते हैं बकरा कैची मारता है, ये मारता है जी। तो लोग बोलते थे इसका पीछे वाला पाव थोड़ा वीक है जी, तो इसको रखो मत, ये पिछले साल मैंने इसको स्पेशल केस में रखा था जी। तो ये लोग बोलते हैं 100 के ऊपर नहीं जाएगा ये बकरा, आज 117 किलो है जी, लेकिन ये 120 किलो तक जाता है शाम को जी। अभी इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कुर्बानी तक 125 किलो पे जाएगा, अभी दिखाओ आपको। तो अपने यहाँ एक है कि जो बकरा वीक रहता है कैची मारता है पीछे से जी, वो मेजर बकरा अपने इधर कवर हो जाता है, कवर हो जाता है मेजर, वो सब फीडिंग पे करते हैं। जी जी सर, जी सर, लोगों को जो लगता है कि फीडिंग पे नहीं होता है ये सब फीडिंग पे रहता है। 117-118 दिखा रहे हैं। तो सर अभी कैसा है कि यहाँ पर अभी ये बड़े बकरे है ना, अभी इसको तो अच्छा खासा वक्त बचा है, अभी 2 महीने बचा है, 2 महीने बचे। तो कोई हमारे भाई आपसे बकरे लेते तो आप पलाई पे रख देंगे यहाँ पे? नहीं पलाई पे नहीं, मेरे पास ही रहेगा बकरा जी। अगर उनके पास फीडिंग का सिस्टम है जी तो उनको दे देंगे जी। दूसरा एक कर सकते हैं कि लोगों को लगता है कि घर में रखना चाहे तो वो बेटर वे मेरे से अगर फीड तैयार करके लेके जाते तो अच्छा रहेगा। जी जी हाँ, तो आपका सजेस्ट करेंगे, आपका आपके बोलेंगे
हाँ हमारा, अरे हम जो खिलाते हैं वही खिलाएंगे ना, क्योंकि बकरे का अंदर का जो फ्लोरा रहता है ना पेट का, वो फ्लोरा जब एक फीड से तैयार होता है, अगर दूसरा फीड तैयार करते हैं तो बकरो रिवर्स आता है, कभी जुलाब आता है, ऐसा होता है। हाँ तो आपका तजुर्बा क्या बोलते हैं कि जैसे कि अभी कोई लेके जाएंगे घर पे तो उनको सेट करने के लिए एक महीना लगेगा, सेट करने के लिए महीना लगेगा। हाँ आपको जो ऊपर से खिलाना है जैसा चना खिलाओ, हमारे बकरो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कुछ खिलाते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाओ जी, लेकिन बकरे का मेजर फीड जो है वो हमारे पास लेके जाओ। जैसे पत्ती हम खिलाते हैं तो पत्ती आप पास करेगा तो चलेगा, कहाँ पर भी मिल जाती है नॉर्मली सिटी में, नॉर्मल मिल जाती है, जो खिलाते हैं जो आपके वो मिलेगा, लेकिन जो हमारे पास बाकी रहता है जो कुछ चुनी का मिक्सचर रहता है वो रहता है वो आप करो। अभी कुछ आपका सीक्रेट फॉर्मूला है कुछ? सर कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, जितना बकरा खाता है उतना खिलाना है, यही सीक्रेट फॉर्मूला है। अच्छा यही आपको पूरा गोड़ाओ ने सबको दिखाओ जी। सबसे बड़े हमने कहा या एंट्री रिस्ट्रिक्शन रखा नहीं है, कोई भी आके देख सकते हैं ना आप क्या खिलाते हो। हमने तीन साल हो गए कोई एंट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो कोई भी आता है आदमी इधर देखता है और जाता है जी जी। कुछ पहला हमने एक बार एंट्री फी रखा है तो लोग थोड़ा नाराज होते थे, उसमें हमको कुछ मिलता नहीं था जी, हम लोग डिस्टर्ब नहीं हुआ इसलिए लगाते थे, लेकिन अभी इनको बोला है मैंने कि कौन भी आता है तो देखने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी जी। तो अभी अपना सब ओपन रहता है, नथिंग सीक्रेट, और कोई बिजनेस सीक्रेट नहीं है, बकरा खिलाना, बकरा बड़ा करना, बकरों को शाइनिंग लाना जी जी। अच्छा, बकरा तो बकरा तो माशाल्लाह सारे खूबसूरत दिख रहे हैं, एक बकरा साफ दिख रहा एकदम, एक बकरा आपको बीमार नहीं दिखेगा फार्म पे, नहीं भी आ जाओ जी जी। इसकी बात करते रशीद भाई, सबसे दूसरा एक आपको मैं सजेशन करना चाहूंगा जी, बहुत लोग बोलते हैं कि बकरे के बारे में कैजुअलिटी होती है, अपना आज का कैजुअलिटी लेस देन 1% है, लेस देन 1% लेस देन 1%। साकिब भाई आप कितने बार आते हैं, कभी कैजुअलिटी दिखा है आपको? 1% लेस देन 1% जी। अभी आपने फार्म पे आज 500 बकरा है जी जी, लेकिन तीन चार चार महीना कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, नहीं होती उतना आप केयरिंग करते ना सर? नहीं वो केयरिंग है ना, देखो ये दिल जान से खिलाने का काम रहता है जी जी। ये क्या ऐसा बिजनेस करके इसको नहीं चला सकते आप, जो आदमी बिजनेस होने चाहिए काम से। जो आदमी बिजनेस करके गोट फार्म चलाता है वो गोट फार्म चलाना मुश्किल है। और आपका अनुभवी लोग भी काफी सारे जैसे रशीद भाई तो काफी सालों से काम कर रहे हैं। रशीद भाई को मैं बोला है किधर जाने का नहीं, वो भी बोलता है कि दूसरे जगह पे गोट फार्म पे नहीं जाऊंगा, दूसरी जगह पे जाऊंगा, और वही मालिक है, मैं मालिक नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मालिक ओरिजिनल ये आप खाली बात, मैं कभी आता हूँ हफ्ते में एक बार जी जी जी, बाकी तो ये लोग रहते हैं, ये लोग सेल करते जी। रशीद भाई सोयत नस्ल में, प्योर सोयत में, ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि स्पॉटलेस सोयत बहुत कमाते हैं ना? बहुत कमाते हैं, ये स्पॉटलेस है ना? ये स्पॉटलेस पूरा मार्बल में, पिंग में, पिंग। इसकी हाइट कितनी होंगे रशीद भाई? इसकी हाइट ऐसा 39 हाइट है, 39। सोजेट का हाइट बढ़ता है, सोजेट में जो शॉर्ट लेंथ वाले सोजेट है ना उनका इश्यू आता है, बाकी कितने दांत तक बढ़ते सर? ये सोजेट 8 दांत में अच्छा हाइट छोड़ता है, सोजेट और गुजरी जो है ना वो बकरा 8 दांत पे हाइट छोड़ देता है, ओटा भी 8 दांत पे छोड़ देता है। ले लीजिए रशीद भाई वजन काटे पे जरा, जिसको हाइट चाहिए ना उसने 8 दांत का लेना, 8 दांत का बकरा लेना है। मगर लोगों का ऐसा मानना है कि बकरा बूढ़ा हो जाता है 8 दांत पे, लोगों का ऐसा मानना है। 8 दांत का बकरा देखो ना सर, 8 दांत का बकरा 30 महीना या 32 महीने का बकरा जी जी, 2.5 साल का, 2.5 साल तो बूढ़ा नहीं बोल सकते उसको, बकरे का लाइफ जो है 110। और बकरे सारे माशाल्लाह उनकी पेटी वगैरह है ना सब ऐसा फिट एंड फाइन है। ये जो भराई का बकरा जो है ना वो भराई का बकरा अपना दिखता है जी जी जी, जो भराई का बकरा अपने फिर पे दिखता है, ये मुंह से खा के ये जो बकरा है ये भराई का टाइप दिखता है, ये बकरा भराई का टाइप दिखेगा, हर बकरा भराई का टाइप दिखेगा जी जी सर। तो भराई लोग जो 8-8 हजार रुपए लेके पलाई करते हैं जी, उनसे अपना बकरा अच्छा, अभी 120 किलो का बकरा जी जी नॉर्मल नहीं जाता। और भराई में क्या होता है, भराई करना मैं ये नहीं समझता हूँ, बकरों को उसके हिसाब से खाने दीजिए ऐसा। अच्छा, सेल फीडिंग पे आप ज्यादा ये करते हैं सर, तो प्राइसिंग कैसे होने लगा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? अभी प्राइसिंग निकाला नहीं है सर जी, जो भी मार्केट रहेगा उसके हिसाब से करेंगे अभी। तो ये बड़े बकरों का प्राइस नेट के हिसाब से निकला है, बड़े बकरों का अभी ये नहीं किया। अच्छा, जिनको भी चाहिए तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे फोटो भेजकर? हाँ, फोटो भेज के करते हैं कॉन्टेक्ट। पहला बकरा हम लोग क्या करेंगे, मेरा सेशन सबको बकरे ज्यादा है जी, तो अभी लोगों का कहना रहता है कि 300 बकरा है अपने पास ऑलमोस्ट कुर्बानी का, तो हर एक का तो वीडियो भेज नहीं सकते, तो मैंने सबको बोला है कि रशीद को फोन करो, रशीद का नंबर हम लोग शेयर करेंगे। तो सर यहाँ पर आके देखें तो वो बेस्ट है ना एकदम? नहीं, जिसको पॉसिबल नहीं, जिसको पॉसिबल नहीं है वो, तो उसको वीडियो कॉल पे दिखाएंगे जी जी। वीडियो कॉल पे कोई पसंद आता है तो फिर उसका वीडियो भेजेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे ना आप वहाँ पे? हम लोग बम्बई पुणे में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और अदर स्टेट पे? अदर स्टेट पे ट्रेन से जाता है जाएगा ना बकरा जाता है, वो तो बकरा पहुंच जाएगा, जो भी बकरा जिसको पसंद आएगा वो। अभी कलकत्ता में मैंने डिलीवरी दे दिया जी, एक मेरे हिसाब से 8 दिन पहले जी, झारखंड में जाता है जी,
सब जगह पे जाता है डिलीवर, डिलीवर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और काफी सालों से रन कर रहे हैं आप ये। हाँ, है ना। अपने क्या लोडर रहते हैं, लोडर यहाँ से पकड़ा उठा के ट्रेन में जा भी देखो, इसका शाइनिंग देखो जी, फर्क ही दिखे, अब पाव देखो, लेंग देखो, इसको क्या एक साल आउट कट करें, छह दांत का बकरा है, आप समझो 24 महीने का, 24 महीने का है। सर कमान वगैरह काफी खूबसूरत है बकरे की। ये सर फीडिंग पे आता है पूरा। अच्छा फीडिंग पे आता है ये पूरा 100% पे। इसमें प्रोटीन फैट का कॉम्बिनेशन बराबर करते हैं। वो तो चारे पे हर चीज दिख के आती है ना, चमक ये सब, खूबसूरती, चमक लाना है ना, चमक लाने के लिए 6 महीने लगता है। स्पेशल खुराक कुछ नहीं, उसमें खाली खुराक में कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन और मिनरल्स, ऐसा टोटल 45 पैरामीटर्स हम लोग मॉनिटर करते हैं। ओके ओके ओके। ये जो आ रहा है ना जी, ये इसको बगली बोलते हैं एक्चुअली ना, ये भराई के बकरों में जी जी, भराई के बकरों में आते हैं, अपने हर बकरे में आता है, अपना दो दांत वाले बकरों में भी दिखेगा आपको, दो दांत में बकरे में दिखेगा माशाल्लाह। तो ये प्राइसिंग एक्चुअली सर पर्सन में बताएंगे बोल रहे हैं। तो रशीद भाई अभी वीडियो काफी बड़ी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे बकरे हमें दिखाए, तो जो भी जैसे कि लेना चाहते तो यहाँ पे आएंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। तो आप बकरा दिखा देंगे उनको, थोड़ा साकिब भाई से बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। साकिब भाई बकरे कैसे लगे आपको ये? बकरे तो माशाल्लाह भाई, बकरे देखने के साथ में दिल खुश है एकदम, मतलब जो चीज लोग भराई वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जरा बोलो ना, जो भराई वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब आपको सेल्फ फीडिंग में और नेचुरली इतने भरे हुए बकरे जी जी, जैसे नॉर्मली क्या होता है भराई के बकरे का रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, मॉर्टेलिटी का वगैरह का ये रहता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये सब यहाँ पे पल के बकरे घूम रहे जी जी सब बाड़े में, मतलब ऐसा नहीं कि आज हम लोग वीडियो बना रहे इसके लिए, कोई भी कभी भी आएगा तो ये बकरे यही पे रहते हैं, अपन बोलेंगे कितना वीडियो, बट बकरे सामने ही है, तो ऐसा नहीं कि आपने आज स्पेशली निकाले पे, 12 महीने कभी भी आएंगे तो बकरे यही पे। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा बकरा है इसमें से? मेरा पर्सनल फेवरेट पंजाबी, नहीं ये वाला सोया। अच्छा ये वाला सोया, ये सोया जो है ना भाई जी, पेटी वगैरह जबरदस्त है। ये बकरा खुद वजन काट पे कटा हुआ है ना, 117 किलो 117 किलो। ऐसे बकरे देखने के बाद में भराई के बकरे के पास में कौन जाएगा? अच्छा अच्छा, मगर शांत भी है, बच्चा भी घर सकता बाजू में, प्रॉब्लम भी नहीं और हैवी भी है, और मारते नहीं है किसी खास बात, कुछ भी नहीं, कुछ भी खस्सी बकरे एक्टिव है वो, आप देखोगे देखो 115-117 किलो के बकरे एक्टिव कितने, मस्ती कर रहे हैं माशाल्लाह, मस्ती कर रहे हैं, मार रहे नहीं है, मस्ती कर रहे हैं जी। ठीक है साकिब भाई, तो इंशाल्लाह नंबर दे दूंगा मैं स्क्रीन पे, जो भी बकरे लेने में इंटरेस्टेड है तो जरूर देखो सर, वो खाना डाल रहा है जी, इसमें कोई पत्तिया और मक्का डाल रहा है, ऐसा कोई सीक्रेसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं जी 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 बकरा जी जी, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं खिलाते, जो सब खिलाते वही खिलाते, मगर खाली मात्रा का फर्क होता है। नहीं न्यूट्रिशन मॉनिटर करते, न्यूट्रिशन मॉनिटर करते हैं आप, वो सब देख कर आप खिलाते हैं ना। तो इस पर नंबर किसका है ना संपर्क सर, आप मुझे पर्सनल बता देना, मेरा भी दे दो जी, रशीद भाई का दे दो जी, क्योंकि मैं कभी बिजी रहता हूँ तो फोन नहीं उठा पाता हूँ, तो लोग नाराज हो जाते हैं जी। ठीक है, तो आप मुझे नंबर देना, मैं दे दूंगा। और मैं यहाँ शनिवार रविवार को 2 दिन रहता हूँ जी, कोई आते अगर बकरा खुद देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कुर्बानी का बकरा रहता है तो खुद देख लिया तो अच्छा। हाँ वो तो सही है, और अगर किसी को सर से फोकस करो, हर दिन अपने पास 100 लोग विजिट करते हैं जी जी, अभी उनको कोई रोका नहीं, हम लोग इधर खड़े वो आते हैं, तो कोई भी आकर यहाँ पे आपका फार्म घूम सकता है ना, बकरे देख सकते हैं जी। वीडियो को यही एंड करते सर, अभी हम दूसरे जो दूसरा कप्पा, हाँ इससे कम वजन के बकरे वो दिखाते हैं। यस यस।